नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमेशा दिव्यांगता के बारे में आपको अपडेट देती रहती हूँ और नई नई जानकारी देती हूँ। जैसे कि अभी आपको जॉब के लिए अलर्ट कर रहे थे हम कि जॉब के लिए भी हमने एक प्रोसेस चलाया है कि आप सब दिव्यांग जो हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करें, जो एजुकेशन ले चुके हैं या जो एजुकेशन कम्प्लीट होने वाली है वो अप्लाई कर सकते हैं। न्यूक्ल पावर कमीशन में जो पोस्टें निकली हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं और इसमें काफ़ी सारी पोस्टें निकली हैं। इसमें इलेक्ट्रिशियन की है, बिल्डर की है, इंस्ट्रूमेंट मेडिकल की है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है, बेलर है, क्लर्क है और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार्स के लिए भी है। देखिए मैं पोस्टें 32 हैं, 32 32 12 12 इस तरह करके काफ़ी सारी पोस्टें निकली हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग पोस्टें हैं और आपको इसमें हर तरह का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई ज़रूर करिए, आपको इसका बेनिफिट हमेशा लेना ही चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी जो नोटिफिकेशन है मैं बता देती हूँ, 15/7/2021 तक है और जो उम्मीदवार की आयु 14 से लेकर 24 तक होनी चाहिए। और SC ST और जनरल के लिए 5 वर्ष की छूट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की है और जो अपने डिसेबल पर्सन के लिए उनके लिए 10 ईयर की छूट है। तो आप उसका भी ध्यान रखिए कि आपको उसमें 10 वर्ष की भी छूट मिल रही है। तो इसमें जो आपके पास क्वालिटीज होनी चाहिए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक में तो ITI मांगी हुई है, जिन्होंने ITI की हुई है वो ITI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह है कि आपके पास जितने भी आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है, कुछ को कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो इसकी जो आवेदन करने की तिथि है वो है जुलाई की है, जुलाई तक लास्ट और इसकी डेट है, तो आप इसको अप्लाई कीजिए। दोस्तों इसमें सैलरी का जो मापदंड है वो आपको इस अकॉर्डिंग मिलेगा। देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए है, टर्नर के लिए, मशीनिंग के लिए है, उनके लिए 8,855 रुपये है और जो ऑफिशियल स्टाफ के लिए वो 7,700 रुपये पेमेंट है। आरक्षण का आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। दिव्यांगजनों के लिए अलग से श्रेणी में आवेदन है तो आप उसका फॉर्म भरिएगा और आपको उसके फॉर्म में भी आपका एक ऑप्शन दिया गया है दिव्यांगता का कि आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है और कैसे आपने अप्लाई करनी है, वो भी मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उस वहाँ से इसको फॉर्म फिल कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा और इस पोस्ट के लिए जरूर जरूर एफर्ट कीजिए ताकि आपको ये पोस्टें आपको मिल सके और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें शिशुता परीक्षण के लिए जो है वो 1 वर्ष की होती है। इसमें जॉब के जो भी नियम है वो आपको बताए गए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर जाके पढ़िएगा क्योंकि आपको अच्छे से उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों ये न्यूक्ल पावर कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की है और इसकी जो गुजरात की अपॉइंटमेंट्स हैं, इसलिए आपको बता देते हैं इसकी जो लास्ट डेट है 15/7/2021 है, यानी कि जुलाई की 15/7/2021 है। तो इससे पहले आप अपने फॉर्म जरूर भेज दीजिएगा ताकि आपको जॉब के लिए आसानी हो सके और आप आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकें। तो देखिए इसका मैं फॉर्म बता रही हूँ आपको, फॉर्म में क्या लिखना है, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, धर्म, कैटेगरी, श्रेणी यानी कास्ट क्या है आपकी, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें, दिव्यांगता में कर रहे हैं तो दिव्यांगता में आपकी कौन सी दिव्यांगता है। एक आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और इसके साथ ही आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल्स भरनी है, जितनी भी आपकी एजुकेशन है आप उसकी डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद आपको उसका वो काफ़ी परसेंटेज वगैरह जो भी अपनी ग्रेजुएशन या ITI को भी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है आप उसके सर्टिफिकेट्स सारे कॉपी वाइज लगाएंगे और इसमें लास्ट में आपको वो सारे एजुकेशन के टिक करना होगा कि हाँ हमने ये एजुकेशन ली हुई है। देखिए ऑप्शन में सारे अपने एजुकेशन फिल करनी है, कैसे कैसे करनी है, उसमें बात अपने सिग्नेचर, प्लेस और डेट
सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपने टिक करना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए हैं। इसमें आपको अपने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यानी कि ये सर्टिफिकेट भी लगाना है और यूटीआई कार्ड भी लगाना है। आपने दोनों डॉक्यूमेंट लगाने हैं अप्लाई करने के लिए, तो तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और इसका जो भी उनका एग्जामिनेशन होगा, आपको रिटर्न लेटर आएगा और आपको इसके बारे में जानकारी देगी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, धन्यवाद।